एक बेटी, तीन बेटे फोत हो गए। बेटी वैसे अल्लाह की तरफ से फोत हुई है। मेरी जो सास थी ना, सास वो तवीज दागे करती थी। मैंने अपने खामद को भी मार दिया तवीजों के साथ। मकान बुका के फिर कहती है कि मैं अपने बाप की बेटी नहीं हूँ, अगर तुम्हें इधर बसने दूँ तो। गांव वालों ने बहुत मना किया था कि ये जादूगरनी है, इसे बचो। ये जो जूतों का काम कर रही है, यहाँ पर पॉलिश कर रही है, ये कब से कर रही है? ये तो अभी आके बैठ जाती हूँ ना। रोड भी सोती है? हाँ, अपना घर बार नहीं है। घर बार बताया तो सस ने छीन लिया रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मेरा बाइकर नाजरीन। मैंने अपनी जिंदगी में पहली एक औरत देखी है जो रोड के ऊपर बैठ कर जूते पॉलिश कर रही है। इनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं की क्या वजह। अस्सलाम वालेकुम आजी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या नाम है? मेरा नाम फातिमा है बेटा। कहाँ की रहने वाली है? गुजरा वाला। कितने बच्चे हैं? चार, एक बेटी, तीन बेटे फोत हो गए। बेटी वैसे अल्लाह की तरफ से फोत हुई है, बेटे एक्सीडेंट में फोत। एक बेटा सदा आपका? एक बेटा सदा। क्या करता है वो? मिस्त्रियों का काम करता है। तो शादी हुई है इसकी? हाँ शादी। शादी हुई है तो वो आपको नहीं अपने साथ रखता? लेके गए थे, लेके गए थे। फिर आप क्यों नहीं जाती? वो जो उधर बागड़िया चौक में देखा कितने हॉस्पिटल है, आपने देखा होगा, वहाँ से भी उन्होंने मेरा इलाज करवाया था। तो जो ब्लड था ना मेरा, न्यू हॉस्पिटल से भी इलाज करवाया था। ये जो ब्लड था ना, उन्होंने डॉक्टर ने बताया कि इनके भाइयों के साथ इसका ब्लड मैच हो गया। अच्छा। ये भाइयों को अपने को बहुत प्यार करती थी, इसलिए ये जो ब्लड है ना, इनके भाइयों के साथ मैच हो गया। तो अब ये ना, इनका जहनी दरवाजा जो है ना, ये अपने भाइयों को याद करती है। चले मुझे बताएंगे, ये जो जूतों का काम कर रही है, यहाँ पर पॉलिश कर रही है, ये कब से कर रही है? ये तो अभी आके बैठ जाती हूँ ना। अच्छा। रात को उधर सो जाती हूँ, दिन को पार्क में चल जाती हूँ। अभी तकरीबन घंटा या आधा घंटा हुआ है। अच्छा, सोने के लिए रोड भी सोती है? हाँ, अपना घर बार नहीं है? घर बार बताया तो सस ने छीन लिया रावलपिंडी से। शोहर कहाँ है? शोहर भी उनके पास ही है। जिंदा? जिंदा उनके पास। उन्होंने मेरी जो सास थी ना, सास वो तवीज दागे करती थी। अच्छा। उसने अपने खामद को भी मार दिया तवीजों के साथ। मकान बुका के फिर कहती है कि मैं अपने बाप की बेटी नहीं हूँ, अगर तुम्हें इधर बसने दूँ तुम्हें मैं कब्र में डालूंगी। मेरी सास का नाम सुग्रा। लोगों ने मुझे, गांव वालों ने बहुत मना किया था कि ये जादूगरनी है, इसे बचो। तो मुझे समझ नहीं आई बेटा, कैसे उसने मुझे दा लगा दिया। यानी कि सास ने आपका घर जो है वो बसने नहीं दिया? बसने शुरू से, मैं मुझे नहीं मालूम कब से मेरे पीछे पड़ी थी। मैं बड़ी बहू थी ना, तो सबसे खूबसूरत थी। तो जो मेरा सोरा था ना, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, फोत हो गया। उसका नाम था अली रजा, तो गांव का भी नाम अली रजा था। वो मेरे बच्चों को मुझे बहुत लाड करता था, अपने जो ससुराल वाले थे ना, मेरे बच्चों को उनकी पटाई करवाता था। तो मेरे साथ जलती थी, कहती थी कि मेरा ससुर कहता था कि इनका खादा ना मेरे काम आएगा, तुम्हारे रिश्तेदारों का खादा मेरे काम नहीं आएगा। तो कहती है जब मैं देखती थी कि तुम्हारा सोरा फोत हो गया, तुम्हें बहुत लाड करता था, बस उसके फोत होने की देर थी, मैं आपको उठा के मारूँगी। कोई बात नहीं, बर्बाद कर दिया। कोई बात नहीं, खुश रहे बेटा, जमीन नहीं साथ जाती, ईमान साथ जाता। ये जो जगह है ना, जगह ये अल्लाह पाक ने बनाई है ना, आखिर में इन जगह में ही कब्र निकलती है। 20 मरले जगह के लिए उसने मेरे साथ दा दी है। थोड़ी चोट नहीं दी थी, जिसके बेटे मरवा दिए हो, उस माँ का कलेजा ठंडा होगा। मैं तो कहती हूँ अल्लाह पाक एक मिनट ना लगा मुझे इस दुनिया से उठा ले, मैं धक्के नहीं खा सकती। ऐसे नहीं कहते हैं कि कितने पैसे लेते हो? हाँ, जूते पॉलिश करके अपनी मेहनत मजदूरी करती हूँ, अपना पेट पालती हूँ। अच्छा। पेट पालती हूँ अपना, जूते पॉलिश करके जो है, वहाँ सिर्फ यही काम है करके जो अपना पेट पालती है। हाँ, सोती रोड के ऊपर है। रोड मतलब की एक बेटा है आपका, आपके कितना खर्चा होगा जो आप कह रही कि उसके अपने बच्चे हैं वो अपने? खर्चे की बात नहीं है बेटा, जितना मेरे पे मेरे बेटों ने खर्चा किया ना, मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक जिसने अच्छे मेरे बेटे थे ना, अल्लाह पाक कुल दुनिया को उतने अच्छे बेटे थे। मेरे बेटे इतना भागे हैं ना, कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा। ये न्यू हॉस्पिटल सबसे बड़ा है पिंडी में, राजा हॉस्पिटल सबसे बड़ा है, वहाँ तक खड़ा मेरे बेटों ने। बताया जब उन्होंने ब्लड चेक किया ना न्यू हॉस्पिटल वालों ने, वो जो पट्टी नहीं आती, उन्होंने बता दिया कि इसको कोई बीमारी नहीं है, इसको तवीजों का मसला है। तो उस वक्त आपके सास ने डाले, आपने वो मेरा, उस वक्त मेरा बेटा जिंदा था। तो
मेरे बेटे ने किया, कहा है कि मुझे मालूम है ये मेरी दादी ने की है। जब वापसी आए हैं ना, वो जो सामने वाला खंभा नहीं है जहाँ पे लोग पेशाब करते हैं, इस जगह पे हमारा एक्सीडेंट हुआ है। तो फिर भी मेरे बेटे ने ये जो गाड़ी नहीं हॉस्पिटल वाली जिसमें उठा के लेके गया, वहाँ जी मोटरसाइकिल पर बैठती होगी, मैं कह बेटा मेरे में हिम्मत नहीं है, उसने गाड़ी पे बिठाया तो उन्होंने म्यू हॉस्पिटल के आगे जाके ना फिर हमारा एक्सीडेंट कर दिया। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि यहाँ पर आप जो है जूते पॉलिश करती हैं, लोग आते जाते क्या कहते हैं आपको? ये नहीं कहते कि माँ जी से हमने नहीं जूते पॉलिश? पता क्या, लोगों को तो जितने मुंह उतनी बातें हैं बेटा। लोगों के कहते हैं किसी का मुंह नहीं इंसान पकड़ सकता, किसी का मुंह तो नहीं ना कोई पकड़ सकता, जैसी मर्जी कोई अच्छी बात करे। नहीं, जो जूते पॉलिश करवाने आते हैं वो कहते नहीं कि औरत है, मैंने नहीं जूते से पॉलिश करवाने, ये मैं पूछ रही हूं। नहीं, ये नहीं कहते, करवाते हैं। हाँ, सिर्फ ये मुझे ना गांडने नहीं आते। क्या नहीं आती? ये जो सिलाई करते हैं ना, जूते सिलाई करना नहीं आता, ये नहीं। पॉलिश करना? हाँ, ये नहीं मुझे कर पाता। अच्छा, ये नहीं मुझे करना। तो इससे पहले क्या करती थी? पहले मैं कपड़े सिलाई करती थी। कपड़े सिलाई करती थी तो फिर तो आपको ये जूते जो है सिलाई करने आने चाहिए? पहले कर लेती थी, जब बच्चों के टूटते थे ना मैं खुद ही करती थी, मेरा सोरा भी करता था, उसकी आदत मुझे पड़ गई थी। अच्छा, मैं खुद ही अपने बेटों को ना जूते पाले सिलाई भी कर देती थी, कपड़े भी सिलाई खुद करके देती थी। इसलिए भी मेरी बेटी छोटी होती फोटो होगी थी ना, तो मैंने बेटों से कभी काम नहीं करवाया था। मैंने कहा मेरे बेटे ये ना कहें कि हमारी बहना नहीं है, तो अम्मी हमसे काम करवाती है। चलें जी, नाज़रीन आपने देखा कि माँ जी यहाँ पर रोड के ऊपर बैठकर लोगों के जूते पॉलिश कर रही है। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसे किसी औरत को देखा काम करते हुए। एक यही काम रह गया था जो औरत को मैंने नहीं देखा, वो भी आज मैंने देख लिया, वो जूते पॉलिश कर रही है। बड़ा अच्छा काम कर रही है, मेहनत का काम कर रही है, किसी से मांग के या गलत काम करके पैसे नहीं कमा रही है, मेहनत का काम कर रही है। तो बस थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है, थोड़ी सी अगर आप हिम्मत करेंगी तो सब कुछ हो जाएगा। मुझे इजाज़त है, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।